बजट से पूर्व संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई। आने वाले समय में आर्थिक विकास फीसदी पहुंचाने के प्रयासों से दिया गया। इस बारे में लोगों की राय जानने का भी प्रयास किया गया। लोगों का कहना है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, खासकर लघु उद्योगों को, जहां रोजगार की संभावनाएं अधिक हो, ताकि लोगों को रोजगार के साथ साथ आर्थिक तौर से भी सुदृढ़ किया जा सके। बजट से पूर्व संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। आने वाले समय में आर्थिक विकास दर 8% पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। इस बारे में लोगों की राय जानने की प्रयास किया गया। लोगों का कहना है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, खासकर लघु उद्योगों को, जहां से रोजगार की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं, ताकि घर द्वार पर लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ की जा सके। लोगों का कहना है कि फिजूल खर्ची में कटौती होनी चाहिए और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। छोटे उद्योगों के लिए ऋण व्यवस्था भी सरल होनी चाहिए, ताकि आम जनता तक ये पहुंच सके। रामपुर के व्यवसायी महेंद्र का कहना है कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसके हिसाब से वर्तमान में आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.8 है, जिसको 8% पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सरकार को काफी बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम को और सरल करना होगा, जिस तरह से पूर्व में कही गई थी, दो तरह की होनी चाहिए, ताकि छोटे व्यापारी भी तनाव मुक्त होकर आसानी से व्यापार कर सकें। इकोनॉमिक सर्वे पेश होया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि छोटे व्यापारियों को इसमें फायदा हो, तो एक तो टैक्स स्लैब जो है वो 2 स्लैबों में रखना पड़ेगा, जिससे ताकि छोटे व्यापारी स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार कर सकें। दूसरा, मैं चाहूंगा कि जो आपका लोन जो आपके बैंकों से उनको मिलता है, उसमें जो टैक्स है, इंटरेस्ट रेट है, उसको कम किया जाए, ताकि जो पहले 14-15% है उसको 8% किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उससे मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, छोटे व्यापारी काम करेंगे, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और ओवरऑल इकोनॉमी का भी उनको फर्क पड़ेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि भी ये 2 फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, देश की ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। वहीं कुलदीप कुमार का कहना है कि बेरोजगारी और संपन्नता के लिए औद्योगिकीकरण करना जरूरी है। अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सिस्टम को और सरल बनाना होगा, ताकि उद्योग आसानी से स्थापित हो सकें, जिससे रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें सर ऐसा है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें जैसे आपकी टाइनी इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा देंगे आप, तो उसमें जैसे इन्वेस्टर्स मीट होती है, जब अभी आप गए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी गए थे, वो इन्वेस्टर्स ला रहे हैं हिमाचल के अंदर भी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे मोदी जी बाहर जाते हैं तो इन्वेस्टर्स आते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हब बन जाएगा, जैसे हमारे हिमाचल में टूरिज्म में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में है, तो उससे रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी बढ़ेगी, आपका जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ जाएगा। और सेकेंडली, हम अगर फोकस करें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे, उसमें अगर हम अच्छा गवर्नमेंट जो फोकस करे, उसमें टेक्निकल नो हाउ की भी हमने कोई बनाना है, कोई आपको जो ट्रेनिंग देनी है, और इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देंगे आप, इस क्या बोलते फार्मर्स को अच्छे सीड्स मिलेंगे, तो अपने वो इंडस्ट्री अपने घर पे भी लगा सकता है, कोई प्लांट लगा सकता है, तो सब्सिडाइज जो यूनिट्स लगती है उससे उसकी अपनी इनकम भी होगी और नेचुरली ग्रोथ बढ़ेगी, स्टेट की भी बढ़ेगी और इंडिया की भी बढ़ेगी। वहीं हस्तकर्घ कारोबार से जुड़े चंद्रमोहन का कहना है कि छोटे उद्योगों को चलाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से MSME स्कीम से लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, छोटे उद्योग जो व्यक्ति चालू करता है उसे इस योजना में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें छोटे व्यवसायी को या छोटे उद्यमियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंक जो सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को अपने पास फिक्स करता है, उस पर ब्याज नहीं दिया जाता है, जबकि अन्य राशियों पर ब्याज अधिक दिया जाता है। श्यामलाल गुप्ता का कहना है कि जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो काबिले तारीफ है और भविष्य में आर्थिक सुधार के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है, इससे आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि दर 8% पहुंचेगी। बजट से पहले सरकार द्वारा आज जो है आर्थिक बजट का जो शुरुआत आज की है वो बड़ी सकारात्मक रही है, और जिसमें मुझे पूरी आशा है कि सरकार के द्वारा जो बजट पे आज ये बजट से पहले जो पेश हुआ है, इसमें
ये अच्छा रहेगा और इसमें पूरे सभी के हितों को ध्यान रखते हुए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है और मुझे पूर्ण आशा है कि जो ये हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है ये 8% तक जरूर पहुंचेगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि इसमें सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।